नीट केस को लेकर आज एक बड़ा फैसला संभव है। पिछली सुनवाई में रिपोर्ट सौंपी गई थी केंद्र सरकार, एनटीए ने हलफनामा दिया था और आपको बता दें कि सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद रिपोर्ट सौंपी थी। नीट यूजी पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार और एनटीए ने हलफनामा दाखिल किया था। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं है और वो नीट परीक्षा निरस्त कराने के समर्थन में नहीं है। वहीं एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, टेलीग्राम ऐप पर नीट पेपर लीक का जो वीडियो चलाया जा रहा था वो फर्जी था। सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज बड़ा फैसला ले सकता है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑफिसर्स को निर्देश दिए हैं कि कांवड़ियों की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाए। सीएम ने कांवड़ शिविरों के सत्यापन कराने, डीजे की लंबाई ज्यादा न होने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कांवड़ रूट की मरम्मत के साथ साथ वहां पर स्टॉल लगाने वालों के भी सत्यापन कराने के लिए निर्देशित किया है। लखनऊ में राजभवन पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर पुस्तक भेंट की है और इसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रखे हैं। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यूपी की सियासत में सोशल वॉर भी छाया हुआ है। ये सोशल वॉर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच हुआ। एक बार फिर से दोनों के बीच सोशल मीडिया पर सियासी जंग छिड़ गई है और एक तरफ से वार किया जा रहा है तो दूसरी तरफ पलटवार। इससे पहले यूपी विधानसभा में भी दोनों के बीच नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई जो कि सियासी गलियारों की सुर्खियां बनी थी। दस सीटों पर उपचुनाव से पहले दिल्ली से लखनऊ तक सियासी हलचल के बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक बार फिर ट्विटर वॉर छिड़ गया है। यही नहीं, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करते हुए लिखा भी, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से खुद केशव मौर्य ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि दिन ब दिन बीजेपी कमजोर हो रही है। बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर है। बीजेपी में एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है। बीजेपी में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई है। इंजन ही नहीं, अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। उधर अखिलेश यादव को यूपी में मंत्री संजय निषाद ने जवाब दिया और कहा कि मिलने मिलाने का काम पार्टी के लोगों से नहीं किया जाएगा तो क्या विपक्ष के लोगों से मिला जाएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के लोग नहीं मिलेंगे तो क्या विपक्ष के नेताओं से मिला जाएगा? क्या अपने लोगों से मिला जाएगा? विपक्ष के नेताओं के पास थोड़ी मिलने जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है और कहा कि ये सारा दर्द सिराथू वाला है, हार का दर्द उनके पीछे लगा हुआ है। दर्द सिराथू वाला है,
जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो है, वो दर्द अभी तक उनके पीछे पीछे लगा है, चला आ रहा है, उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है। फिलहाल अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी वार पलटवार कोई नई बात नहीं है। यूपी विधानसभा में भी दोनों के बीच नोकझोंक की तस्वीरें सबने देखी हैं। अब एक बार फिर ट्विटर वॉर जारी है, देखना होगा सियासी जंग कहां तक जाती है। ये जुबानी जंग दोनों ही नेताओं के बीच में सुबह से शुरू हुई और लगातार एक्स पर पोस्ट के माध्यम से शाम तक जारी रही। आगामी कुछ दिनों में भी लगातार आपको ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर से राजनीतिक सरगर्मी तेज होते हुए नजर आ सकती है। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ पवन गौड़, नपकेट 3, दिल्ली। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। संसद के सत्र से पहले होने जा रही आज की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी ये बैठक। 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2024 से ठीक पहले हो रही बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे और पीएम शाम को 6 बजे के करीब बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं, जहां पर उनका संबोधन होना है। इसके अलावा वो पार्टी दफ्तर में लंबे वक्त से काम कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी पार्टी दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क, चपरासी और ऐसे अन्य कर्मचारियों से भी मिलेंगे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने नया पैंतरा दिखाया है। तौकीर रजा ने सामूहिक धर्मांतरण कराने के कार्यक्रम को रद्द करने से इनकार किया है। तौकीर ने कहा है कि 21 जुलाई को ही करवाएंगे सामूहिक निकाह और तौकीर रजा ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रजा ने कहा है कि प्रशासन ने बिना मेरी इजाजत के, बिना मेरी मर्जी के मेरे लोगों से कार्यक्रम रद्द कराने की बात लिखवाई। किस तारीख को इज्तिमाई निकाह कराया जाएगा, इसके लिए हमने परमिशन मांगी हुई है। परमिशन अभी हमें नहीं मिली है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सामूहिक विवाह के कार्यक्रम सभी लोग करते रहे हैं, करते किए जाते हैं। मुझे परमिशन देने में इस कदर गुरेज क्यों किया जा रहा है, इस कदर एहतियात क्यों रखी जा रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रात मेरे लोगों को बुलाया गया, उन पर दबाव बनाया गया, उनसे झूठे वादे किए गए और उनसे ये लिखवाया गया मेरी मर्जी के खिलाफ। ये लोग लिखकर देकर आए कि कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। हमने जो तारीख दी थी, हम उस तारीख को ही अपना प्रोग्राम करेंगे। परमिशन अगर नहीं दी जाती है तो हमें इतना पूछने का हक है कि हमें परमिशन देने में आपको क्या दिक्कत है। बरेली में ताजिया निकालने के दौरान नारेबाजी का एक मामला सामने आया। डीजे बजाने से मना करने पर विवाद हुआ है। सूचना के बाद मौके पर सीओ, एसडीएम, कई थानों की पुलिस लेकर पहुंचे और मामले को शांत कराया गया। हाथरस भगदड़ को लेकर बाबा सूरजपाल का बेहद संवेदनहीन बयान सामने आया है। सूरजपाल ने कहा है कि होली को कौन टाल सकता है, जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा। साथ ही सूरजपाल ने एसआईटी पर भरोसा जताया और साजिश रचे जाने की बात भी उन्होंने कही है। 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद हैं, अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होली को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। हमारे वकील डॉक्टर एपी सिंह जी एवं हमें भी जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, यह पूर्णतया सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है।
आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि कन्नौज में एक्सीडेंट हुआ। एक घायल लड़के का जिला अस्पताल में इलाज के दौरान फर्श पर तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है एक शख्स। न तो कोई आसपास डॉक्टर है, न ही उसको देखने वाला कोई स्टाफ है। घंटों तड़प रहे लड़के की आखिरकार समय पर इलाज न मिलने के चलते मौत हो गई है। लड़के की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और जांच की बात कही जा रही है। नहीं, ये बात हमारे संज्ञान में आज सुबह आई है और इसमें ये पता किया मैंने इमरजेंसी इंचार्ज से, वो ये पता चला कि एक्सीडेंटल आए थे और उनमें अल्कोहलिक इंटेक का भी बात उन्होंने बताई है और वो उसमें से बेड में रखने के बाद वो गिर गिर जा रहे थे, तो एक बार गिरे थे तो उन्होंने उठा के उनको फिर बेड पे रखा, उपचार भी हुआ, लेकिन चूंकि हेड इंजरी थी और मतलब वो रिवाइव नहीं हो पाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। परंतु तब भी हमने इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर एक जांच बैठाई है। जालौर में ताजिया निकालने की होड़ में दो पक्षों में मारपीट हो गई और दोनों तरफ से लाठियां चली हैं। मारपीट में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला मोहम्मदाबाद गांव का बताया गया है। मारपीट की सूचना के बाद मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। थाना डकोर के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच ताजिया को आगे ले जाने को लेकर विवाद हुआ। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। दोनों ताजिए अब चल रहे हैं और करबला में दफन किए जाएंगे। एहतियातन गांव में एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और मैनपुरी की बात करते हैं। महिला एसएचओ पर झगड़े का वीडियो बना रखी बच्ची को पीटने का आरोप यहां पर लगा के और इससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पैक्सफेड चेयरमैन ने जिला अस्पताल पहुंचकर बच्ची का हालचाल जाना, दोषी एसएचओ पर कार्रवाई की बात कही है। आरोप ये है कि झगड़े का वीडियो बना रखी एक पक्ष की लड़की से मोबाइल छीन कर उसे पीटना शुरू कर दिया गया। महिला एसएचओ की पिटाई से बच्ची की हालत बिगड़ गई। परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। दौरान कुछ लोग वहाँ वीडियोग्राफी कर रहे थे, जिस वीडियोग्राफी के दौरान वहाँ पर कुछ बात हुई है पुलिस कॉन्स्टेबल से, और इसी दौरान वहाँ पर जब जो लोग थे जिन लोगों ने थोड़ा झगड़ा किया था उनको पुलिस थाने लेके आई है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पूरी जानकारी और पूरी जांच सीओसीटी साहब कर रहे हैं और जो प्रकरण सत्यता के आधार पर निकल के आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में ट्रांसपोर्टर धनराज यादव की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने ब्लॉक प्रमुख अखंड प्रताप सिंह समेत 12 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। पर्याप्त सबूत न होने पर आरोपी दोषमुक्त किए गए। वाराणसी में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वाले धनराज यादव की स्कॉर्पियो सवार हमलावरों ने 11 मई 2013 को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को दी गई तहरीर में धनराज के भाई ने आरोप लगाया कि प्रधानी चुनाव को लेकर अखंड प्रताप सिंह से उनके भाई से रंजिश चल रही थी, जिसके चलते ये किया गया।